शरद पवार, सियासत की वो शख्सियत जो अपने आप में राजनीति का एक युग है, तो मराठा राजनीति की पावर। इस चेहरे के पीछे हर दशक के राजनीतिक दौर की उठापटक का अनुभव है। शरद पवार जब भी बोलते हैं तो सिर्फ तोल मोल कर ही बोलते हैं। अब शरद पवार ने उस पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है जो उनके बागी तेवरों का एक मुकम्मल दस्तावेज है। वो पार्टी जिसे उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बनाई, वो एनसीपी जिसे पवार ने कांग्रेस के बरक्स खड़ा कर दिया। मराठा पावर के सबसे बड़े प्रतिनिधि ने अचानक संन्यास के ऐलान से महाराष्ट्र की सियासत में कोलाहल पैदा कर दिया। शरद पवार का उत्तराधिकारी होना किसी के बूते की बात नहीं होगी। शरद पवार की उम्र न सिर्फ एक पार्टी का वजूद बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री के साथ केंद्र सरकार में कई बड़े मंत्रालयों के अनुभव समेटे हुए है। पवार की कायनात को समझने के लिए खुद राजनीति की एक उम्र बीत चुकी है। पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे तो देश के रक्षा मंत्री भी, आईसीसी के अध्यक्ष भी रहे तो सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का सबसे प्रमुख चेहरा भी। उनकी पावर का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कभी इंदिरा गांधी से बगावत कर कांग्रेस छोड़ी तो बाद में कांग्रेस को छोड़कर अपनी पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बुनियाद रखी और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। शरद पवार का पूरा नाम शरद चंद्र गोविंद राव पवार है। पुणे में 1940 में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम गोविंद राव और माँ का नाम शारदाबाई है। शरद पवार का विवाह प्रतिभा शिंदे से हुआ। उनकी एक बेटी सुप्रिया सूले हैं। सुप्रिया सूले खुद भी एक सांसद हैं। सुप्रिया सूले बारामती से प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि उनके भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। शरद पवार सबसे पहले महाराष्ट्र में साल 1967 में विधायक बने। बारामती विधानसभा सीट से वो कांग्रेस के टिकट पर जीते। 1978 में उन्होंने जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई। वो राज्य में पहली दफा सीएम बने। इंदिरा गांधी से बगावत कर उन्होंने अपने सियासी करियर का बड़ा फैसला किया था, लेकिन दो साल बाद ही उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। इंदिरा गांधी की सरकार केंद्र में धमाकेदार तरीके से लौटी और शरद पवार की महाराष्ट्र में सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन इस झटके से शरद पवार की राजनीतिक यात्रा पर विराम नहीं लगा। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1983 में पहली बार इस पार्टी के टिकट से सांसद का चुनाव जीते। बारामती संसदीय क्षेत्र से ही चुनकर वो संसद पहुंचे। इसके बाद महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 54 सीटें मिली तो उन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और महाराष्ट्र में सरकार बनाई। 1985 में शरद पवार महाराष्ट्र में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 1990 में पवार तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। राजीव गांधी हत्याकांड के बाद देश में भावी प्रधानमंत्रियों के रूप में शरद पवार के नाम की भी चर्चा हुई, लेकिन पी नरसिम्हा राव को कांग्रेस ने पीएम पद का उम्मीदवार चुना। नरसिम्हा राव सरकार में शरद पवार देश के रक्षा मंत्री बने, लेकिन इसके बाद पवार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में लौटे। 6 मार्च 1993 में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी एनसीपी बनाई। साल 2004 में उनकी पार्टी यूपीए गठबंधन का हिस्सा बनी। इस बार पवार देश के कृषि मंत्री बने। पिछले दो लोकसभा चुनावों में शरद पवार ने शिरकत नहीं की है। उन्हें राजनीति का किंग मेकर भी माना जाता है। क्रिकेट से लगाव की वजह से वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई और आईसीसी के अध्यक्ष पद पर भी काबिज रहे। अब शरद पवार ने अध्यक्ष पद से संन्यास का ऐलान कर विरोधियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनका अगला कदम क्या होगा। बड़ा सवाल ये है कि पवार की राजनीतिक सक्रियता के बगैर विपक्ष के हमलों में वो धार नहीं दिखेगी जिनकी उन्हें तलाश है।